तो आज की हाँ ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीडीएमआई को पावर प्रोग्रामिंग, और आज हम बात करेंगे रेंज ऑब्जेक्ट के बारे में। लेकिन हमारे साथ एक नवी हुसैन अंसारी जी नए ज्वाइन किए हैं, तो अनिल यादव जी थोड़ा सा बेसिक 10 मिनट का टाइम मैं बेसिक कर लूंगा ताकि इनको दिक्कत। या कोई दिक्कत सर, नो प्रॉब्लम। सबसे जानिए, पहले आप जानिए कि वीवीएमआई को प्रोग्रामिंग हम बनाते क्यों है। ऐसे कुछ ऐसे फीचर्स जो एक्सेल में अवेलेबल नहीं है या अवेलेबल है तो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, उस केसेस में हम वीवीएमआई को प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो फीचर्स है मेरे अकॉर्डिंग नहीं है उसको तोड़ मरोड़ कर अपने अकॉर्डिंग बनाया जाए, या फिर जो फीचर है उस जो नहीं है उसके लिए अपने फीचर तैयार करना। सिंपल सी बात समझ लीजिए, वीवी का यूज इसी चीज के लिए होता है। या फिर आप कह सकते हैं रिपोर्ट ऑटोमेशन, मतलब कि एक ही काम को मैं बार बार कर रहा हूँ उसी काम, जैसे कि मैंने कल एग्जाम्पल बताया कि मुझे फाइल हर दिन बनानी पड़ती है, 12 12 फाइलों में शीट्स इंसर्ट करने पड़ते हैं, उसी काम को अगर मैं मैनुअल करता तो कम से कम आधे से 1 घंटा का टाइम लगता ना सर। जी सर, हमने कोडिंग है, मुश्किल से 5 7 लाइन की कोडिंग की, इजली हो गया। तो अगर जी एक बार भी करना होगा फिर भी हमारा आधे घंटे 1 घंटे का टाइम बच गया, और डेली करना जी सर, भी हमारा 1 घंटे का टाइम बच गया। तो वीवीए प्रोग्रामिंग इसलिए करते हैं, तो कहां से करेंगे और कैसे करेंगे चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो वीवीए का जो इंटरफेस होता है डेवलपर टैब होता है, डेवलपर टैब बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, उसके लिए आप फाइल में जाके ऑप्शन पे जाके कस्टमाइज रिबन में जाके आपको यहाँ से अनेबल करना होता है, अनचेक होता है, चेक करने पे आपको डेवलपर टैब आ जाता है। अगर ये सब सही है डेवलपर सर। टैब नहीं भी आए तो Alt F11 शॉर्टकट करेंगे तो विजुअल बेसिक एडिटर खुल जाएगा। जी यहाँ पे दो चीजें, एक हमारा एक रिकॉर्ड मैक्रो है, दूसरा हमारा विजुअल बेसिक है। दोनों समझ जाइए, जो रिकॉर्ड मैक्रो है वो क्या करता है कि हम जो भी माउस इवेंट करते हैं, मैंने B1 पे जाके नेम लिखा तो इसको VVA के कोड में कन्वर्ट करता है, समझ गए। यहां जी देखिए, दिख गया आपको, VVA जी कोड में कन्वर्ट करता है। तो ये भी एक तरह से माइक्रो कोडर है आपका, एक मान लीजिए कि ये आपका एक असिस्टेंट है जो आपके लिए माइक्रो लिख देता है। तो माइक्रोस कहाँ कहाँ क्या क्या है वो माइक्रोस लिस्ट में आपको मिलते हैं, जहां से आप माइक्रो को ट्रिगर करते हैं, रन करते हैं। लेकिन माइक्रो यूज करने से पहले दो चीजें ध्यान में रखिएगा, पहले माइक्रो सिक्योरिटी को आप अनेबल करेंगे, कहाँ पे डेवलपर टैब में सिक्योरिटी, इसे आप अनेबल कर देंगे तो क्या होगा कि आपका माइक्रो अगर अनेबल नहीं करेंगे, बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है, जब भी आप माइक्रो फाइल को ओपन करेंगे तो पॉपअप में हर बार अनेबल माइक्रो कह के आएगा और आपके इवेंट माइक्रो वगैरह नहीं चलेंगे। सो माइक्रो को अनेबल कर दीजिए ताकि आपका चलेगा, माइक्रो बाय डिफॉल्ट चलेगा। दूसरा, आप अपनी फाइल को सेव करेंगे माइक्रो अनेबल वर्कबुक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो एनेबल आपका वर्कबुक। एक्सेल वर्कबुक होता है, अगर आपने इसमें सेव कर दिया तो आपका सारा माइक्रो कंटेंट डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मेट होता है .xls-x का फॉर्मेट जो माइक्रो को कैरी नहीं करता है। तो माइक्रो अनेबल वर्कबुक पे आप सेव करेंगे। दूसरा चीज, आपको क्या क्या करना है, उसके स्टेप्स क्या है, वो स्टेप्स आप एक नोट पैड में राइट कर लेंगे कि आपको क्या क्या करना है। उसके जी बाद सर, हम यहाँ विजुअल बेसिक पे जाएंगे और हम कोडिंग करेंगे। विजुअल बेसिक पे आप आएंगे तो जितने भी सीट्स हैं यहाँ पे आपके सीट्स के नेम लिख जाएंगे, शीट का नेम दिख जाएगा। जी सर, इस पे डबल क्लिक करके हम इस पे भी कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन इस पे कोडिंग नहीं करते क्योंकि इसकी जो कोड है शीट 1 या जो भी डबल क्लिक किया है उस शीट की प्रॉपर्टी में सेव हो जाता है, और किसी ने उस शीट को डिलीट कर दिया तो आपका कोड भी डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग करते हैं जो कि इसी सीट से रिलेटेड होता है, इसलिए तो हम कहाँ करेंगे, मॉड्यूल्स पे करेंगे। तो मॉड्यूल्स कैसे आएगा, तो इंसर्ट पे आप जाएंगे और यहाँ मॉड्यूल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको मॉड्यूल्स आ जाएगा, और इस पे हम प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोग्रामिंग कहाँ करते हैं, मॉड्यूल्स के ऊपर करते हैं। और क्यों मोड में। करते हैं, क्योंकि मॉड्यूल्स के ऊपर करने से क्या होता है, इसकी कोड इसके फाइल की प्रॉपर्टी में सेव होता है, ताकि इन फ्यूचर में जब इसको आप फाइल भेजें तो फाइल के साथ ही अपना बिहेव करेगा।
दूसरा चीज, माइक्रो डिक्लेयर करने के लिए हम पब्लिक सब या सब लिखते हैं, राइट? जी हमारे राइट यहाँ पे माइक्रो का नाम, लेकिन याद रखिएगा माइक्रो का नाम लिखेंगे तो डुप्लीकेट माइक्रो नेम नहीं होना चाहिए, माइक्रो के नेम के बीच में स्पेस नहीं होना स्पेस चाहिए, नहीं होना चाहिए। डैश ये सब चीजें नहीं। हाँ, अंडरस्कोर लगा सकते हैं, ऊपर से 3 डिजिट में न्यूमेरिक, जैसे राज 1 राज 2 ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपका रेफरेंस होता है। समझिए, जी सर जब भी हम कोई कोडिंग स्टार्ट करते हैं तो मोस्टली एक्सेल में 4 मेन एप्लीकेशन होता है, कि वर्कबुक एप्लीकेशन, वर्कबुक, शीट्स एंड रेंज। जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक वर्क, फिलहाल एप्लीकेशन को छोड़ते हैं, वर्कबुक, शीट और रेंज की पे आते हैं। मान लीजिए आपको वर्कबुक ऐड करना है, तो वर्कबुक ऐड करना है, वर्कबुक को सेव करना है, वर्कबुक को ओपन करना है, ऐसे चीजें हम वर्कबुक ऑब्जेक्ट से चलेंगे। तो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच होता है ना, इंग्लिश बोलते समय आप नाउन का ज्यादातर यूज करते हैं, नाउन प्रोनाउंस फर्स्ट में यूज करते हैं, जैसे राम इज गुड, जी तो राम यूज क्यों किया, क्योंकि राम इज अ पर्सन, इट मीन नाउन, समझे? जी सर वेरी हार्ड, इट का यूज किया क्यों, क्योंकि इट प्रोनाउन का काम किया। तो उसी तरह से आपका जो फर्स्ट, इस तरह समझिए कि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वीए के साथ, एक्सेल के साथ। तो अगर आपको जी सर है क्रिएट न्यू वर्कबुक, तो क्रिएट न्यू वर्कबुक को ट्रांसलेट जब कोड में करेंगे तो हमें वर्कबुक क्रिएट करना है, तो ये हो जाएगा वर्क बुक्स डॉट सेव, सॉरी ऐड, ठीक है? क्यों? ऐड हमारा एक्शन हो गया, आप समझिए इसको, लैंग्वेज प्लेटफॉर्म पे ऐड हमारा क्या हो गया, एक्शन हो गया, मतलब मुझे क्या करना है, तो ऐड करना है। तो कहाँ करना है, तो वर्कशीट में ऐड करना है, वर्कबुक ऐड करना है, दूसरा को सेव करना है, तो यहाँ पे वर्क बुक बुक्स, और यहाँ पे किस वर्कबुक को, तो बुक 1 को, क्या एक्सटेंशन है, तो डॉट एक्सएलएस एम है। क्या करना है, तो सेव एज करना है, कहाँ करना है, तो एफ ड्राइव के अंदर 2019 के अंदर 123.xls, समझे? तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट का डिटेल हो गया, ये आपका एक्शन हो गया, ये आपका एक्शन लोकेशन हो गया। एक्शन में, या इसको मेंबर बोलते हैं, मेंबर में डिटेल्स हर मेंबर में जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वर्कबुक ऐड, तो जैसे आप सेंटेंस बोलोगे कि भाई एक फाइल क्रिएट करो, तो ये थोड़ी बोले कौन सा फाइल, ये तो क्वेश्चन ही आ रहा है, फाइल क्रिएट, जी नहीं एक नई फाइल क्रिएट करनी है, क्रिएट कर देगा, तो एक्शन की डिटेल की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं बोलूंगा कि भाई बुक 1 को सेव एज करो, तो क्वेश्चन आता है कहाँ करूं, किस नाम से करूं, किस एक्सटेंशन से करूं, तो हमें यहाँ पे एक्शन की डिटेल देनी पड़ती है, समझे? जी सर कभी कभी वर्कबुक पता नहीं होता है, इतना पता हो कि वो एक्टिव है, तो हम वर्कबुक के जगह पे एक्टिव वर्कबुक दे देते हैं। एक्टिव वर्कबुक देंगे तो मुझे एक्सटेंड ये डिटेल डालने की जरूरत नहीं है, बुक नेम देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा फिक्स है एक्टिव वर्कबुक। उसी तरह से सीड्स होता है, अब सीड्स को कॉल करने का, अब वर्कबुक को हम दो तरह से कॉल करते हैं, वर्कबुक्स और दूसरा एक्टिव वर्कबुक, लेकिन शीट को हम वर्क 4 तरह से करते हैं। जैसे सीड्स, शीट्स में शीट का नाम कि शीट 1 जैसे मुझे सिलेक्ट करना है या कॉपी करना है या उस पर जाना है, एक्टिवेट करना है, तो शीट 1, जैसे यहाँ पे सर सर जैसे यहाँ पे C1 आप लिखे, तो C1 में अगर मान लीजिए सीट को हम अगर कोई नेम दे के रखे तो वो नेम लिखना पड़ेगा हाँ, फिर यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने रख दिया डेटा, तो मुझे देना डेटा। डेटा, जैसे कि कल की क्लास में मैंने बताया था, जी सर ठीक है? उसी तरह से जी दूसरा आता है कि इसकी प्रॉपर्टी नेम, डेटा इसके आप यहाँ दिख रहा है C1, डेटा का प्रॉपर्टी नेम जो कि प्रोग्रामर देखता है उसको C1 दिखता है, और ब्रैकेट में है वो आपका यूजर देखता है, तो इसकी इस प्रॉपर्टी नेम या प्रोग्रामर नेम से भी आप इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है? एक्टिवेट या सिलेक्ट। दूसरा होता है इसका सीक्वेंस नंबर, सीक्वेंस में समझते हैं कि C2 में दूसरे पोजीशन में जोन कोई भी हो, पहला दूसरा, C2 की जगह पर C5 भी हुआ तो पहला और दूसरा, या
तो इससे कॉल करते हैं। और तीसरा हमारा यहाँ पे आता है एक्टिव शीट, ये तो पता ही आपको शीट एक्टिव है, क्लियर है जी सर। ये शीट का। अभी तक मैंने ये चीज को थोड़ा सा विस्तार में पढ़ाया, आपको मैंने शॉर्ट में पढ़ा दिया, ठीक है। ठीक है सर। अब अगला टॉपिक इस पे आता है, वो आता है हमारा रेंज रेंज। तो मुझे अगर एक रेंज से A1 पे कर्सर रखना है तो क्या करेंगे? आपने देखा होगा मॉड्यूल, यहाँ पे हमने जो रिकॉर्डिंग की थी तो उसमें रेंज करके आता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम जो एक सेल एड्रेस है ना A1 B1, इसको हम कई नामों से जानते हैं। पहला जानते हैं रेंज A1 से, A1 डॉट सेल। दूसरा जानते हैं सेल्स 1,1 डॉट सेलेक्ट। तो रेंज A1 मतलब कि ठीक अल्फा न्यूमेरिक हो गया, सेल्स मतलब कि पहला रो और पहला कॉलम R1 C1 हो गया। पहला कौन R1C1 तीसरा हम जानते हैं सिलेक्शन, मतलब कि एक सिलेक्टेड एरिया, इसको सिलेक्शन के नाम से जानेगा। और चौथा होता है एक्टिव सेल, चलो जहां पे कर्सर, सिलेक्शन में भी आपका एक्टिव सेल कौन सा? A1 है ना, जहां पे आप टाइप करोगे तो A1 जाएगा ना A1। इन चारों जी। से जानते हैं, ठीक है। अब मुझे मान लीजिए किसी एक सेल पे डेटा एंट्री करवानी हो तो कैसे करेंगे? तो यहां पे हम लिखेंगे रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू कुछ भी, अगर टेक्स्ट है जैसे नेम लिखना है तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, नंबर लिखना है तो डायरेक्ट लिख सकते, ठीक है। या इस जी तरह सर। से भी लिख सकते हैं रेंज A1 B1 कर देता हूं, V1 डॉट वैल्यू, नहीं वैल्यू छोड़ दीजिए, डायरेक्ट लिख कर सकता हूं यहां पे रॉल, तो ये भी आपका वैल्यू में ही चला जाएगा। या तीसरा हम लिख सकते हैं रेंज P1 डॉट फॉर्मूला डॉट, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है वैल्यू डालते समय, क्लियर है। जी ओके लेकिन अगर मुझे किसी और सेल की वैल्यू से मान लीजिए कि मुझे A2 85 दिख रहा है आपको, मुझे A2 की वैल्यू को D2 के ऊपर डालना है, तो यहां पे अगर मैं रेंज लिखूं, रेंज A2 नहीं, जो वैल्यू रिसीव करेगा वो पहले आएगा, D2 डॉट वैल्यू, या डायरेक्ट छोड़ दीजिए या फॉर्मूला छोड़ दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं अगर यहां लिखूं रेंज डॉट वैल्यू, तो ये वैल्यू अगर इसमें फॉर्मूला लगाओ, जैसे इसमें अगर लगा है 20 प्लस 30, तो यहां पे वो 50 ही डालेगा न्यू नंबर, समझे? अब यहां पे अगर मान लीजिए कि मैं वैल्यू के जगह पे अगर डाल दिया फॉर्मूला, तो इसकी फॉर्मूला को डालेगा 20 प्लस 30, इसको डालेगा, क्लियर है। जी अब यहां पे एक चीज ध्यान और रखिए कि हम जो वैल्यू डाल रहे हैं वो एक्टिव सीट पे डालना है, मुझे इसको डिफरेंट सीट पे डालना हो तो, जैसे मुझे अगर इसको डेटा सीट पे डालना हो तो अगर गलती से कोड रन करते समय अगर सीट 4 एक्टिवेट हुआ तो सीट 4 पे ही डाल दे, क्योंकि हमने इसके आगे किसी सीट का रेफरेंस नहीं दिया हो। नहीं दिया। तो सीट का रेफरेंस अगर वैल्यू डालने के लिए करना है तो यहाँ पे आप करेंगे सीट्स डेटा, क्योंकि रिसीवर आपका डेटा है, डॉट रेंज 81 या जो भी एड्रेस आपका, डॉट वैल्यू डॉट फॉर्मूला या डायरेक्ट डाल दीजिए इक्वल टू, आप यहाँ पे नेम कर दीजिए। यहाँ पे किसी और सीट से मुझे अगर सीट 4 से डेटा ले जाना है, यहाँ पे आपका हो जाएगा सीट में आप देंगे सीट 4 डॉट रेंज A1 डॉट वैल्यू फॉर्मूला, जो भी कंसेप्ट हो वो कर सकते हो,
ठीक है। जी सर। तो ये सीट डेटा सीट के A1 पे सीट 4 के A1 की वैल्यू को डाल देगा। क्लियर है? ओके यहां पे देखिए ये आपका सेम एक्टिव फाइल में काम करेगा, जो फाइल आपका एक्टिवेट है। अब मैंने एक नया फाइल ओपन किया, जो कि है सीट बुक 2, और दूसरा फाइल कौन सा है? बुक 1 है। तो मुझे बुक 1 के डेटा ऑफ सीट की वैल्यू को, मैं बुक 2 के सीट 1 की वैल्यू को बुक 1 के डेटा शीट पे लाना है, समझे? ओके तो कोड आपका बाकी सेम रहेगा, बस इसके आगे आपका दोनों वर्कबुक का एड्रेस हम डाल देंगे। वर्क, बुक्स और यहाँ पे बुक 1 वन डॉट XLSM एक्सटेंशन डालना होगा, ठीक है? और यहाँ पे शीट्स, चलिए वर्कबुक वर्क बुक्स, और यहाँ पे बुक 2 डॉट XLSM या और सीट 1। लेकिन याद रखिएगा फाइल ओपन होना चाहिए। अगर फाइल ओपन हो, जैसे मान लीजिए बुक 1 आपका ओपन नहीं है, तो आपको यहां पे लिखना होगा वर्क बुक्स डॉट ओपन, और फिर यहाँ पे बात उसका पाथ देंगे आप, पाथ पिथ नहीं, जैसे यहां पाथ दिया हुआ ना इस तरह से, ठीक है? तो याद रखिएगा कि वीवीए माइक्रो के द्वारा किसी भी फाइल के अंदर आप डेटा नहीं डाल सकते हैं, आपको डेटा को ओपन करवाना ही, फाइल को ओपन करवाना ही पड़ेगा। तो विद इन सीट सीट आपको डेटा डालनी है तो इस मेथड को इस्तेमाल कर लें, आपको सीट टू सीट डालनी है तो इसको कर दें, अगर आपको फाइल टू फाइल डालनी है तो इस वैल्यू का इस्तेमाल कर लें। क्लियर है? ओके तो डाउट इसमें ठीक है सर क्लियर है ना? जी। ओके, तो अब आप इस कोड को आप अपने हिसाब से रन करोगे, एक एक कोड को आप रन करके देखिएगा, ठीक है? एक एक, क्योंकि ये तो हमने आपको कोड को एक्सप्लेन किया है, बट आप एक एक कोड को अपने हिसाब से रन कीजिएगा, और साथ में हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूं, ठीक है? एक एग्जाम्पल, उसके उसको आप बेहतर रूप से बना के लाना है। जैसे कि मेरे पास यहां पे है नेम, मेरे पास है सिटी, और मेरे पास है अमाउंट, 3 कॉलम है हमारे, सिंपल सा 3 कॉलम रखते हैं, और दूसरा हमारा फॉर्म है, और फॉर्म में यही चीज आपका किसके थ्रू है? फॉर्म के थ्रू। मैं चाहता हूं कि मैं यहां पे वो चीज डालूं और मैं प्रिंट पे क्लिक करूं, इस पे सबमिट पे क्लिक करूं, सबमिट पे क्लिक करता हूं, डेटा यहां एक के नीचे ऐड हो जाना चाहिए, और मैं एक बटन पे क्लिक करूं, ठीक है सर? ओके क्लियर ओके है? यहां पे मैं सब्जेक्ट देता हूं और यहां पे देता हूं सेंड के नाम से। अब बात यह है कि मुझे डेटा यहां डालना है एक के नीचे, तो हर बार ब्लैंक शीट पे कॉलम कैसे जाएगा? तो मैं चाहता हूं कि नीचे से ऊपर, हम लोग करते हैं ना कंट्रोल प्रेस करके अप एरो अप कर देते हैं तो ऊपर चला जाता है, जी। कंट्रोल प्रेस किया अब एरो, जो अप एरो होता है उसको प्रेस करते हैं, मेरा कर्सर ऊपर चला जाता है ना, एक कर्सर नीचे ला देते हैं। तो कर्सर ऊपर जाने के लिए आप यहां लिख सकते हैं रेंज A65000 और N। अब A65000 क्यों किया? क्योंकि डेटा इतना हो सकता है, आपको ज्यादा भी कर लीजिए, नीचे सबसे नीचे से डॉट स्लैश,
क्या करेगा कि इसके बीच में मान लीजिए बहुत सारा डेटा क्यों ना हो, तो हर बार जो है ये आपको हर बार लास्ट पे जाएगा, सात पे आया ना, अगर मान लीजिए यहाँ पे डेटा डल गया, अब मैं इसको कंट्रोल अप करूंगा तो इंदर पे जाएगा, तो हर बार ये लास्ट नंबर पे जाएगा, समझ गया? जी कोड समझ में आया आपको? जी लेकिन मुझे तो लास्ट की अगली सेल चाहिए ना, क्या? क्योंकि तो ब्लैंक एंट्री करना है ना आपको, तो उस केस में हमारा मदद करेगा, क्योंकि कर्सर को अपने हिसाब से मूव करने का काम ऑफसेट करता है। तो 1.0.value इक्वल टू रेंज v2.value, समझ गए? लेकिन इस कोड में छोटी सी दिक्कत है, क्योंकि हमने इसके आगे सीट तो डिफाइन किया ही नहीं, क्या? क्योंकि ये तो आपका B2 की वैल्यू इसी पे A1 पे डालता चला जाएगा, तो हमें यहाँ पे सीट डिफाइन करना होगा कि सीट 4 से। अब इसके आगे सीट डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हम जो रन करेंगे फॉर्म पे बटन पे क्लिक करके रन करेंगे, तो बटन पे क्लिक करने के लिए हमें फॉर्म को तो एक्टिव करना ही होगा ना। तो अगर जिस सीट का रेफरेंस है वही सीट एक्टिव है, तो उसके आगे सीट देने की जरूरत नहीं है। ऐसे आप दे सकते हैं बट देने की जरूरत नहीं है। मैं इसको कॉपी किया, पेस्ट पेस्ट, अब यहां पे हमने इसको जीरो कर दिया और इसको वन, और इसको जीरो कर दिया और इसको टू कर दिया। अब क्यों ऐसा किया इसको समझते हैं। तो पहले वाली लाइन जो है वो क्या करेगा, नेम को डाल देगा, इसकी यहां पे इसने पूजा नेम था तो पूजा को डाल दिया। अब तो नीचे से ऊपर में जाऊंगा तो पूजा पर रुकेगा ना, क्या? तो मुझे पूजा की अगली कॉलम सिटी को डालना है, उसकी अगली कॉलम अमाउंट को डालना है। तो ऑप्शन अंदर जो होता है एक ये जो होता है 0 0, तो पहला होता है रो, दूसरा होता है कॉलम। तो मुझे पहली रो नीचे दबानी है ताकि ब्लैंक सेल आ जाए, लेकिन दूसरी में जो हमने पहली एंट्री कर दी है उसके सामने वाले में डाल, इसलिए हमने जीरो किया कि रो वही रहे कॉलम उसके आगे चला जाए, समझ गए? समझ में आया कि नहीं सर? जी सर। हेलो दत्ता जी, आप 5 मिनट में ज्वाइन करें, अभी एक बैच अलग चल रही है, 5 मिनट में स्टार्ट हो रही है। ओके सर, थैंक यू। मैं आपको जी, और फिर यहां पे मैं मैसेज दूंगा MSG बॉक्स, लिखूंगा डेटा सेव, ताकि पता चले कि हाँ डेटा सेव हो गया। और फिर रेंज हम यहाँ पे डालना है B2, B4, B6, यहाँ 6 डालना चाहिए था हमें, डॉट क्लियर, मतलब कि पहले जो डेटा है उसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है? अब यहां पे मैं क्या करूंगा, इसको डिलीट मारता हूं, फॉर्म पे आऊंगा। अब मैं यहां पे देता हूं पूजा, सिटी में देता हूं दिल्ली, और यहां देता हूं अमाउंट। अब मैं डेवलपर पे जाता हूं और हम यहां से एक माइक्रो डिफाइन कर, एक बटन डिफाइन करते हैं इंसर्ट में, और इस पे हमने सेंड वाले माइक्रो को असाइन कर देते हैं, और इस पे हम दे देते हैं कलर कलर सेव। अब जैसे मैं इसको रन करूंगा, मैसेज आया डेटा सेव एंड ओके, ये खाली हो गया, और ये डेटा कहाँ चला गया, यहाँ पे, ठीक है? अगली एंट्री करता हूं, मैं करता हूं नेहा, और मैं करता हूं पुणे, अमाउंट में करता हूँ एक, मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, ओके। अब पूजा के नीचे नेहा की एंट्री हो गई, ठीक है? और हमने इसके लिए मात्र 3 लाइन की कोड को लिखा है, राइट? अब एक कोड में आप, मैं फाइल नहीं भेज रहा हूँ, एक कोड भेज रहा हूँ,
आप अपने सिस्टम पे बनाए एक बड़े से फॉर्म फॉर्मेट में और मुझे भेजे, फिर कल हम आपको रेंज सिलेक्शंस के बारे में बताएंगे, ठीक है? ठीक है सर, ओके। तो बना के मुझे भेजे। अब तो आज तो समझ में आया होगा जी 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 बाबू सर जी जी सर। मैं फाइल भेज दूंगा तो दिक्कत होगी, मैं कोड भेज रहा हूं ताकि कोड को पढ़ सके, कोड पढ़ना सीखिए सर। जी सर जी सर। अनिल यादव एंड मैंने भेज दिया कोड। ठीक है सर।